ये जो वीडियो है ये होने वाली है डैब के ऊपर। तो जब से ये डैब मेरे साथ है ना, मतलब पहले दिन से, तो तब से लोग मतलब पूछते रहते हैं कि ये क्या खाता है, ये कहाँ सोता है, ये गर्मी में इसका कोई चक्कर तो नहीं होता, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में रखना एक हस्की को इज़ नॉट अ ईजी थिंग, है ना। लोग ऐसा सोचते हैं। पर आज मैं बताता हूँ कि डैब की कहानी क्या है, डैब की स्टोरी क्या है, डैब हमारे साथ कैसे है। मेरे को आइडिया आया डैब मतलब डॉग लेने का, कि मैं डॉग रखना चाहता हूँ, ऐसा मेरे पास शुरू से आइडिया था। जब मैं दिल्ली आया, फिर मैं थोड़ा बहुत ठीक हुआ, बिजनेस करा, फिर लास्ट में आके मेरे को आइडिया कि मैं डॉग लेना है, अब मैं ठीक हूँ, मैं रख सकता हूँ। तो पहली जो फोटो आई वो डैब की आई, वो इतना क्यूट था, मैं आपको यहाँ फोटो डालूंगा, इतना क्यूट था, फोटो वीडियो भी डालूंगा जब हमने इसको लेके आए थे, साथ साथ चल रहेगी, ठीक है। तो उसके मतलब इतना ज़्यादा क्यूट, ब्लू आइज़ और ये, और लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी, लोग इस कहते थे कि हस्की को रखना बड़ा मुश्किल होता है, ये होता है, वो होता है। मैंने पूछा बंदे से जो जिससे मैं लेके आया, तो उसने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, दिल्ली में बहुत सारे रह रहे हैं हस्की, और कई तो मतलब लोग एसी में भी नहीं रखते, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अपने अपने पे डिपेंड करता है, जैसे क्या होता है ना, डॉग्स जो हैं वो उनका सीधा सीधा सिस्टम होता है, चाहे वो लैब्रा हो चाहे हस्की हो, वो आपके साथ रहेंगे, ठीक है। कई लोग तो बांध के रखते, उनका नहीं, लेकिन जो नॉर्मल पेट्स होते हैं वो हमारे साथ ही रहते हैं, जैसे ये हमारे साथ ही रहता है, तो हम तो गर्मी में रहेंगे नहीं, क्योंकि आजकल कोई भी गर्मी में नहीं रहता ना, सब एसी, ज़्यादातर लोग अगर एसी हैं ही, तो ये भी हमारे साथ ही रहता है। तो इसको अब उसी सांप के मेंटेन की आदत पड़ गई है कि इसको मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, उसके बगैर इसको भी गर्मी लगती है, हमें भी गर्मी लगती है। दूसरा, इसका खाने पीने का, ये बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खाता, और ये इसको मैं सिर्फ घर का खाना खिलाता हूँ, बस ट्रीट्स हैं जो हम बाहर की देता हूँ, और थोड़ा बहुत सामान मैं हम घर पर कुकी वुकी बना लेते हैं, बाकी ये सब घर का खाता है, चिकन वगैरह, बॉयल्ड एग्स वगैरह, और चिल्ले विल्ले बेसन के, मतलब। और ये जो लोग कहते हैं कि पहला पेट जो है ना, मतलब हस्की नहीं रखना चाहिए, मैं कहता हूँ रखना ही हस्की चाहिए, ये बिल्कुल भी भौंकता नहीं, और इतना प्यारा है ना, ये देखो इतना ज़्यादा प्यारा है, हमारे साथ ही सोता है, हमारे साथ ही खाता है, हमारी चकोची पीछा में बच्चा, मतलब है ना। हमारा तो ऐसा है कि मेरा तो, मैंने डॉग को पहले भी अच्छे लगते थे, बट जब से मैंने हस्की रखा है तब से मुझे सिर्फ और सिर्फ हस्की ही अच्छा लगता है। और तो गाइस, इसका ऐसा भी कुछ नहीं है कि गर्मी वर्मी का, बाकी इनके बाल हमेशा ही झड़ते रहते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे बेटर डॉग कोई भी नहीं है। और ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन थे वो मेन ये होते हैं कि गर्मी में रह पाता है, नहीं रह पाता, और यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या बकवास बना रखी है लोगों ने, बट हाँ, आपके घर में एसी होना चाहिए, थोड़ा ठंडा, क्योंकि आप भी गर्मी में तो रहोगे नहीं। देखो भाग गया टैप इधर आ, और इसको ट्रेन कराना बहुत मुश्किल होता है, और सिक्योरिटी डॉग, और किसी को कुछ नहीं कहता, किसी बच्चे को कुछ नहीं कहता, किसी बड़े को कुछ नहीं कहता, ये कुछ नहीं कहता। देखो ऊपर आ जा, कम, देखो ये छोटा होता बात नहीं सुनता था, लेकिन अब पूरी बात सुनता है, तो सेट करता है, हेलो करता है, देखो हेलो करो, देखो हाई फाइव। तो ये ना मतलब बच्चों को इतना प्यार करता है, और बड़ों को इतना प्यार करता है, और सबको, मतलब इसका कोई ऐसा सीन नहीं है कि ये काटता है या कुछ करता है। हमारे घर में इतने लोग डरते हैं, मेरे पापा डरते थे, मेरी मम्मी डरती थी, सब डरते थे, इवन मेरी वाइफ डरती थी पिंकू, बट ये किसी को कुछ कहता ही नहीं है यार, मतलब भूखता तक नहीं है। और किसको है? ये अगर आपको डॉग रखना है ना, फ्रेंडली वगैरह सब कुछ, तो गाइस इससे बेटर डॉग कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। तो बड़ा बड़ा मेरा बच्चा है, बड़ा 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 बच्चा है। और कोई आपके मन में क्वेश्चन हो हस्की के रिलेटेड, हस्की रखना चाहिए ना हस्की, खैर मैं इतना ट्रेनर तो नहीं हूँ, बट हाँ मैंने रखा है, तो मैं आपको अपनी वो दे सकता हूँ, एक इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, प्रैक्टिकल दे सकता हूँ। इसका इंस्टाग्राम पेज भी है, डैब द हस्की, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। और ये देखो डैब, हेलो करो पहले, हेलो करो, हाई फाइव है, ये कभी कभी करता है। तो गाइस इसका इंस्टाग्राम पेज भी है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। बाकी आपको और कुछ जानना हो हस्की के बारे में, वो भी आप पूछ सकते हो। इसका नाम डैब है, और ये मेरा बच्चा है, चले। और ये हमेशा हमारे साथ सोता है, हमेशा, और इसको कहीं भी जाओ ये वहाँ ही आ जाता है, चाहे बाथरूम में जाओ, चाहे फोटी कर रहे हो ना, वहाँ भी साथ में आएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो हस्की के बारे में वो आप पूछ सकते हो। बाकी ये देखो, इसको फॉलो कर सकते हो, डैब द हस्की, किट्टू पिंकू चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी वीडियोस आती है। इसके पेज पे ना, डैब के इंस्टाग्राम पेज पे बहुत फनी वीडियो है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी इसका
बहुत टाइम से ना बहुत लोग मुझे कह रहे थे वीडियो बना रहो, मतलब कुछ बताओ, बहुत लोग क्वेश्चन भी करते हैं, तो मैंने कहा कोई नहीं इसकी वीडियो भी बना देते हैं, क्योंकि हम ब्लॉग्स बनाते हैं तो इसकी वीडियो भी एक डाल देते हैं, तो अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन आप सबको मिल जाएगा इसके बारे में। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, कोई क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ओ व्हाट्सएप कह रहा हूँ, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसमें आपको बता दूंगा इसके बारे में, मेरे बच्चे बच्चे के बारे में, मेरे डैब के बारे में।